वालेकुम। मैं फिर आज आपके साथ हाजिर हूँ और एक मज़ेदार इजी ब्रीजी केक के साथ। और मैंने, जैसे आप लोग जानते हैं कि मेरी रेसिपीज में मैं कोशिश करती हूँ कि इजी सी रेसिपी हो और ज़्यादा महंगी भी ना हो। लेकिन ज़ाहिर बात है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जब हम नई चीज़ें ट्राई करते हैं तो वो महंगी बढ़ी जाती हैं। लेकिन जो केक मैं बनाने लगी हूँ बहुत ईजी सा केक होगा, और उस केक में हम सिवा सिर्फ 2 ही अंडे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 2 अंडे लेंगे। जैसे मैंने बताया, ये तकरीबन 1 कप मैदा है, ये मैंने चीनी ली है, मैं चीनी कम लूँगी। आप लोग इसको और बढ़ा लें, इतनी ही और बढ़ा लें ताकि आप एक नॉर्मल नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा मीठा हो जाए। मुझे हल्का सा मीठा चलेगा। और ये है तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑफ कोको पाउडर एंड 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। ठीक है जी। और हमने इसमें ऑयल भी लेना है, 1/3 कप ऑफ ऑयल भी लेंगे। लेकिन पहले हम सबसे पहले करने लगे हैं, मैदे को स्ट्रेन करेंगे। आप आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेन करते जाइए। अच्छे से स्ट्रेन करना है इसको, क्योंकि क्या होता है, हम अगर हम डायरेक्ट ले लेंगे तो देखें इसमें थोड़ा सा कचरा निकला। तो कोशिश करें कि लाजमी स्ट्रेन करें, कोशिश नहीं करनी, लाजमी स्ट्रेन करना है। ओके, ये हो गया 1 कप मैदा। ओके अच्छा जी, अब मैं लेने लगी हूँ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ठीक है। और इसी के साथ हम इसी में ऐड कर लेंगे कोको पाउडर। ठीक है जी। अच्छा जी, देखिए कि थोड़ी सी बबल बने हुए हैं इसमें, तो हम इसको थोड़ा सा स्पून की हेल्प से इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे, हिला लेंगे, ताकि वो जो नीचे एक होता है ना, डस्ट पड़ जाती है और उसके ब्लॉकेज हो जाता है। तो आप स्पून की हेल्प ले लें ताकि वो ब्लॉकेज ना हो और आपकी स्ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए ऑन टाइम, बिफोर टाइम। अच्छा, ये केक हम बनाने लगे हैं माइक्रोवेव में, क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ माइक्रोवेव होता है, लेकिन वो क्या कहते हैं, ओवन नहीं होता जो जिसके अंदर आप बेकिंग करते हैं। तो बेकिंग देखिए, हमें कोशिश करनी है, मैं पूरी कोशिश करूँगी बेकिंग की, वो आइटम मैं आप लोगों को लाजमी सिखाऊँ जो हम इजीली किसी दूसरी टेक्निक के थ्रू हम विदाउट ओवन, विदाउट जो है बेकिंग ओवन हम बना सकें। अच्छा देखिए, अब ये कचरा, अब ये नहीं निकलना, मैं हाथों से करने की कोशिश करती हूँ। देखिए इसमें कचरा है, इसलिए ये अब नहीं निकलेगा, इससे ज़्यादा ये नहीं निकलेगा, बस ठीक है। ओके इसको अब हम क्या करेंगे, स्पून की हेल्प से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। शुगर हम अंडों में डालेंगे, इसको मैं अलग कर रही हूँ। सही है, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। ओके इसको मैंने अलग कर दिया, और अब है बारी है इनकी। ठीक है जी, इनकी बारी है। मैंने क्या करना है, मैं ज़्यादा बर्तन नहीं फैलाऊंगी, बिल्कुल नहीं फैलाती हूँ मैं बर्तन। तो यही जो कोको पाउडर वाला ही मैंने ले लिया है, इसके अंदर पहले मैं क्या करूँगी। अच्छा जी, क्योंकि हमें चाहिए होगा बड़ा, ठीक है, तो मैंने जो अपना मैदे का स्टफ था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और अंडे इसको पहले क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत उलझन होती है। अब क्या करना है, हमने अंडे लेने हैं। ठीक है जी, मैंने बाउल जो एक्सचेंज कर लिया था, क्योंकि हमें बीटिंग करनी है। और जो जो हमने इस वो बैटर रेडी किया है, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और मैदे का, उसको हमने इसी के अंदर ऐड करना है। तो मैंने वो बड़ा बड़ा पाउडर, हमें इस बीटिंग के लिए हमें बड़ा चाहिए था इसलिए। अच्छा जी, अब इस पॉइंट पर मैंने क्या करना है, अंडों को अलग कर लेंगे। मैं एक बड़ा चमचा ही ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है हो सकता है। ये ले लिया मैंने एक बड़ा स्पून, ये लीजिए, थोड़ा सा हो गया है मैस के, पर इट्स फाइन, कोई बड़ा काम नहीं, मसला नहीं बनेगा, क्योंकि यू नो कोई मसला नहीं।
मतलब मैक्सिमम जो है मैंने निकाल लिया है। ये जो बस आप कोशिश कीजिएगा, ये थोड़ी सी बंद हुआ है मुझसे, आई एक्सेप्ट दिस। आप बस इसमें से बस ये थोड़ा बहुत है तो थोड़ा बहुत तो चलता है यार, थोड़ी बहुत तो गलतियाँ माफ हो जानी चाहिए ना, बड़ी गलतियाँ थोड़ी है। इसको हम इस पार्ट को भी हम डालेंगे, लेकिन अभी हमने इसको बीट करना है। कंसिस्टेंसी देखें, अब इस पॉइंट पर थोड़ा सा और करेंगे, इस कंसिस्टेंसी अब देखें ठीक हो चुकी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लाइट ठीक है ये, ठीक है। अब इस टाइम पर मैंने डालने रही हूँ ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ एग योक, और इसको फिर हम बीट कर लेंगे। चुका है हमारा एक, अब इस पॉइंट पर मैं डालने लगी हूँ शुगर, और इसको हम फिर से शुगर के बाद मैंने इसको मिक्स किया था बीटर से, और अब मैं डालने लगी हूँ ऑयल, 1/4 कप ऑफ ऑयल, और अब हम फिर इसको मिक्स करेंगे। बैटर रेडी हो चुका है, ठीक है। अब मैं ग्रेजुअली ये जो हमारा मिक्सचर था इसको मैं अब इसके अंदर डालूंगी, हम मिक्स करते जाएंगे अब हम, ठीक है। मैंने इसके अंदर अभी 3 चम्मच डाल रही हूँ, और इसको पहले मैं मिक्स करूँगी। मैंने इसके अंदर सारा अपना जो वो बैटर था, मिक्सचर था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, और इसको मैं पहले चमचे से हिला देती हूँ ताकि जब मैं बी हल्का सा थोड़ी, क्योंकि बीट हमें ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा बीट करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, तो मैं इसको हल्का सा मिक्स कर देती हूँ और फिर आती हूँ। तो देखिए मैं मिक्सचर एकदम परफेक्ट रेडी हो चुका है, इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और अब इसको मैं बेकिंग बाउल में डाल दूँगी। मैंने ये जो बेकिंग ट्रे है मेरी, बेकिंग जो बाउल है, उसके अंदर मैंने बटर पहले से ही स्प्रेड कर दिया था, और अब ये जो मेरा केक का बैटर है मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। पहले मैं काम करती हूँ, जो स्पून है इसको मैं अच्छे से साफ कर लेती हूँ स्पैचुला से। वैसे ये बहुत मजे का है, नीले टाइप का मीठा है, लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगी, आप लोग अगर ज़्यादा मीठा लेने वाले हैं तो आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा और शक्कर डाल दें, उतनी ही शक्कर और डाल दें ताकि एक आइडियल बन जाए आप लोगों के लिए। और तकरीबन मेरा ये स्प्रेड, मेरा बैटर इसके अंदर जा चुका है। ये बिल्कुल सेटल डाउन हो चुका है इसमें, और अब इस पॉइंट पर मैं आप इसको माइक्रोवेव में, मैंने इसको माइक्रोवेव में रख देना है, और मैं इसको करने लगी हूँ इसके अंदर सारी। देखिए हम स्टार्टिंग से जाते हैं, 1 से पिज्ज़ा है, 1 सेकंड में बहुत जल्दी जल्दी, पिज्ज़ा है, मीट है, वेजिटेबल है, पास्ता है, पोटैटोस हैं, फिश है, बेवरेजेस हैं, पॉपकॉर्न है, तो मैं इसको पिज्ज़ा में कर रही हूँ क्योंकि पिज्ज़ा भी बेकिंग वाली चीज़ है, A1, और मैंने इसको स्टार्ट कर देना है। तो बस मेरा ये स्टार्ट हो चुका है, और एंजॉय। और ये हमारा केक देखते हैं रेडी हुआ कि नहीं हुआ,
मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये हो चुका है। ठीक है देखें, फूला भी है ना, ये देखें, ठीक है ना। अब इसको कैसे चेक करते हैं, टूथपिक लेते हैं और ऐसे करके डाल के देखते हैं। अगर कच्चा होगा तो टूथपिक गीली होती है, देखिए ये गीली बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसको और जगह से करके देख लेती हूँ, ये बिल्कुल भी गीली नहीं है कहीं से भी। तो हमारा केक रेडी है, ये देखें एक अच्छा सा केक हमारा रेडी हो चुका है। इंजॉय करें, इसके टॉपिंग करनी है टॉपिंग करना चाहें टॉपिंग कर लें, चॉकलेट से करें, वनीला से करें, किसी से भी करें और इंजॉय करके खाएं। और मुझे तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फिर हाजिर होंगी अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे शेयर करना, मेरी रेसिपी को शेयर करना, अच्छे से लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।